नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लखनादौन तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरमंगनी के सेल्समैन कृष्ण कुमार उइके पर ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप। शासन के निर्देशों को रखता जेब में, हर महीने गरीबों को नहीं मिलता है पूरा अनाज, जबकि शासन के सख्त निर्देश है कि दुकान में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही तुलाई की जाए, परंतु सेल्समैन तखड़ी में कम तौल कर गरीबों के हक का अनाज चोरी करता है। ग्रामीणों ने दुकान में पहुंचे पत्रकारों को बताया कि ये सेल्समैन महिलाओं को लाठी से धमकाता है और अभद्र व्यवहार करता है। बोलता है, जहां लगे चले जाओ, मेरी शिकायत कर दो, मेरी पहुंच ऊपर तक है। भूरा नाम के आदमी का 20 किलो की पर्ची थी, 2 माह का अनाज 40 किलो देना था, लेकिन उसे 30 किलो अनाज दिया गया। जांच में आए पटवारी ने पूछताछ कर पंचनामा बनाया, जिसमे 30 किलो अनाज पाया गया। दूसरे दिन खाद्य अधिकारी हेमंत मेश्राम ने ग्राम सिरमंगनी में मौके पर पहुंच ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें बहुत से लोगों ने कम तोलने की शिकायत बताई और बोले, हम सब ग्रामीण इस सेल्समैन से तंग आ गए हैं, इसे यहाँ से हटाया जाए। क्या लगते हैं आप? कृष्ण कुमार उइके। मास्क कहाँ है आपके मुंह में? कहाँ बना है वो? जो सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, यहाँ तो अधिकारी तक क्या? अभी तक तो समझा के एक बात नहीं मानी। नहीं तो व्यवस्था कौन करेगा? कौन करेगा? जूता आप गोला बनाइए ना, आप सब बना के देख रहे, कोई लाज जूते नहीं खान के थे। देखो आप ना, देखो आप ने कोई मास्क है ना कुछ नहीं, पूरा भीड़ है। साफ आए सबको आके देखो ना, बिल्कुल बैठा रहे दूर दूर बैठा रहे, इसके बाद नहीं मान रहे कोई, अपनी कालर थोड़ा पकड़ गया। क्यों दादा? दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूरा लाल। कितने की पर्ची आपकी? 4। कितने किलो की है? 15 किलो। 20 किलो की है। कितने महीना का मिला है आपको? 2 महीना का मिला। कितना है? 30 मिलना, कितना तो 40 मिलना था। आपने कैसे ले लिया 30 पर? अरे अब कल लगे होगा, और जो मैंने बल्कि काहू को जो कल लिखी मैंने कहा, हाँ मेरी समझ में नहीं आया। कब मिली तुम्हें शक्कर? हमें पिछले वो में भरता हूँ तो सबने की हदायत है तो, हाँ नहीं तो वो के पहले कब नहीं था वो का नहीं मिली शक्कर। कौन से में कार्ड मार पीले वाले? पीले कार्ड मुझे भैया नहीं मिली, कम से कम कार्ड बनू जब से कहरा गई कार्ड। भाई सरमंग नहीं मरिया, कब से नहीं मिला राशन? 5 साल से। पर्ची उससे पहले मिलता था? हाँ पहले मिलता था। क्या कारण नहीं मिल रहा है? पता नहीं सर, रिन्यू भी हो गया, बोलती रिन्यू नहीं हुआ। तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्या बात? मेरा राशन नहीं मिल रहा यार मेरे को। कितने साल? 2 साल से नहीं मिल रहा यार। क्यों? क्या मालूम क्या बात है, जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओगे। पर्ची है? हाँ पर्ची है मेरे पास, सब कुछ है। हर तुम्हारी समझ पर्ची है? 4 से 5 लाख का घोटाला हो रहा हर महीना कोटा पे। सनई नाम मेरा, सनई लाल अहरवार। दोस्त यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है सेल्समैन के ऊपर कि एक तो वितरण में धांधली होती है, मतलब कम ज़्यादा तौल होता है, महिलाओं के साथ में ढंग से बात अभद्रता की जाती है, और भी ऐसे कई आरोप लगे हैं। और आप यहाँ पे जांच में आए हैं तो सर आपने क्या पाया? देखिए आज दिनांक 30 जून को यहाँ सिरमंगनी गांव में लगभग 12 बजे से मैं 2 अलग अलग मोहल्लों में गया। पहले मोहल्ले का नाम तो मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन वार्ड नंबर 9 पहला वार्ड नंबर 9 था, दूसरा वार्ड नंबर 14। तो वार्ड नंबर दोनों वार्ड में मैंने कम से कम 10-10 लोगों का नाम, उनका पात्रता पर्ची देख करके, उनका कंप्यूटर में चेक करके देखा कि उनकी पात्रता है कि नहीं। तो जो आपका पहला पॉइंट था कि विक्रेता वितरण ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तो हाँ जिन लोगों का पात्रता है उनको वितरण करना पाया गया, सभी हितग्राहियों ने इस बात को माना और उनको जितनी पात्रता है उतना दिया जा रहा है। हालांकि एक बात ये ज़रूर आई है कि ये हाथ कांटे का प्रयोग करते हैं, जबकि शासन के नियमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों से वितरण किया जाना है। और इनसे जब पूछा गया विक्रेता से कि भाई आप क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हमारी आधे गांव समिति में गेहूं खरीदी चल रही थी इसलिए हम नहीं कर पाए, जबकि सभी का कहना है कि नहीं यहां पर कभी भी इस तरह से वितरण इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से नहीं हुआ है। कल हमारे द्वारा समक्ष में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे बुलवाए गए और उनसे वितरण शुरू करवाया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि उनको कम मिलता है, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि वो बात पुरानी थी, लेकिन इनको क्लियर निर्देश है कि अब से जितना भी वितरण करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से करेंगे। उसके बाद जो आपने अभद्रता वाली बात की, एक महिला ने ज़रूर यह कहा कि उनको उनसे अभद्रता की गई, हालांकि इसके अलावा और किसी ने नहीं कहा, पर हाँ एक महिला ने ज़रूर कहा है। और इसके अलावा हाँ ऐसे कुछ लोग जिनका मीडिया में भी ये न्यूज़ था कि वो राशन नहीं दिया जाता उनको,
ऐसे मेरे सामने 5 लोगों की पात्रता पर्चियां समग्र आईडी को AEPDS पोर्टल में डाल करके चेक किया गया तो उन सभी 5 लोगों की पात्रता खाद्यान्न हेतु नहीं होना पाया गया, जिसका पंचनामा भी बनाया गया और उन लोगों को सामने से बताया भी गया। खबर समय जगत के लिए लखनादौन से नीकेलाल अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।